मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग और काउंटिंग। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। विधायक रामेश्वर शर्मा ने और बीजेपी नेता खुलेआम बिना मास्क के आई नजर। ग्वालियर में नशे में धुत लड़की ने बीच सड़क पर किया हंगामा। आर्मी की जीप तोड़कर लोगों से किया झगड़ा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम के पिपलौदा में नगर परिषद की कार्रवाई ने की कर्मचारी ने की आत्महत्या की कोशिश। नौकरी जाने से दुखी कर्मचारी ने छत से कूदने की कोशिश। पुलिस ने बताया। और मध्यप्रदेश में इंटेलिजेंस ने कट्टरवादी संगठन PFI से बताया खतरा। आतंकी संगठन सिमी ने कनेक्शन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी की रडार पर संगठन पर बैनर लगाने की तैयारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। दिग्विजय सिंह धर्म और धर्म से लड़ाते हैं। मध्य प्रदेश में PFI की बढ़ती सक्रियता पर सारंग ने कहा, प्रदेश में एकता को कुठाराघात कराने वाले देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। नाबालिग बच्ची से बीजेपी नेताओं द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है बिना तथ्यों के आरोप लगाना। यदि कुछ गलत काम किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। मौसमी बीमारियों पर कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ बिना जानकारी के ट्वीट कर रहे हैं। सरकार वायरल फीवर, डेंगू, कोरोना सब बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दिग्विजय सिंह जी केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन और मस्तिष्क में हर समय वर्ग संघर्ष कराना, धर्म से धर्म को लड़ाना और समाज में विभेद फैलाने के अलावा और कोई विचार क्यों नहीं आते। दिग्विजय सिंह जी का इस बयान के पीछे क्या मंतव्य है ये हिंदू समाज जानता है। और मैं फिर कहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी केवल तुष्टिकरण की राजनीति ही नहीं करते, बल्कि वो बहुसंख्यक समाज को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैं पहले कहते आया हूँ कि वो पाकिस्तान परस्ती की राजनीति करते हैं। उनका एजेंडा केवल और केवल इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे दिखाना है, हिंदुओं को अपमानित करना है, हिंदुत्व को अपमानित करना है और अपने तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से केवल वोट बैंक की राजनीति। रतलाम के पिपलौदा में नगर परिषद में नौकरी बचाने के लिए कर्मचारी का ड्रामा सामने आया, जहां नगर परिषद का कर्मचारी टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी नौकरी जाने से दुखी था, इसलिए टंकी पर चढ़ गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया और पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारी को समझाया। CMO का कहना है कि लापरवाही के चलते कर्मचारी को हटाया गया है, जिससे नाराज अस्थायी कर्मचारी राकेश गोसर ने आत्महत्या की धमकी दी है और नौकरी बहाली की मांग पर अड़ गया है। कार्य की लापरवाही के चलते दैनिक वेतन भोगी होने के नाते हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करता है और लगातार लापरवाही करता है तो उसको कार्य से पृथक किया जा सकता है। तो उसके तहत हमने इस पर कार्रवाई की थी, जिसके कारण वो आगामी गणेश उत्सव को लेकर बैरागढ़ थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें बैरागढ़ SDOP अंतिमा समाधि और थाना प्रभारी ब्रजेंद्र शर्मा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गणेश उत्सव में DJ पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और कोरोना को देखते हुए पंडालों में 50 से अधिक लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा। साथ ही रास्ता बाधित ना हो इसीलिए बैरागढ़ थाना के अधिकारी चेकिंग करेंगे। गाइडलाइन के अनुसार सभी को निर्देशित किया है कि अपनी जो भी झांकियां लगाएं वो कलेक्टिव गाइडलाइन के अनुसार ही लगाएंगे। कोई भी फिल्मी की मूर्ति नहीं रखेगा, 6 फीट से ज़्यादा किसी मूर्ति की हाइट नहीं रहेगी। इसके अलावा जो सामान्य निर्देश रहते हैं, जैसे कि बिजली का प्रॉपर कनेक्शन लेंगे, कहीं भी रोड ट्रैफिक बाधित ना हो इसका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ फोटो वॉलंटियर सभी झांकियों में लेके लिए जाएंगे। गुना के चाचौड़ा में विधायक लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में किसान सम्मान पदयात्रा निकाली गई,
जिसमें गांवों के किसान और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में यह पदयात्रा निकाली गई है। जी हाँ, किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है और हम लोगों ने भी 3 दिन पदयात्रा करी और अपेक्षा से अधिक जन समर्थन मिला है और लोग बहुत परेशान हैं। हमने कोई बसें नहीं लगाई, ट्रक नहीं लगाए ढोलाने के लिए, सब अपने खर्चे से आए, पैदल चल के आए, अपने वाहन से आए और ये दिखाता है कि सरकार के प्रति कितना रोष है। जब लोग अपने आप चल के आ रहे हैं तो महंगाई से भी त्रस्त हैं, खेती बाड़ी से नुकसान जो हुआ उससे त्रस्त हैं, बिजली के अभूतपूर्व बिल आ रहे हैं उन सबसे त्रस्त हैं। कई बार भोपाल के बैरसिया में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां आम लोगों के साथ साथ चोर अब सरकारी कार्यालय को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही कुछ बैरसिया के लोक सेवा केंद्र में हुआ, जहां चोरों ने CPO, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सहित कई उपकरण चोरी कर भाग गए, जिसका वीडियो या वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने रतलाम में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बाबूदास बैरागी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरोह के लोग बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी आवेदन भरवा कर उनसे पैसे वसूलते थे। उनका बाकायदा मेडिकल करवाया जाता था और फिर नियुक्ति पत्र भी दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए हैं। बेरोजगार युवकों ने बमुश्किल रुपए जमा कर इन ठगों को दिए थे। रेलवे विभाग में भर्ती कराने के नाम पर कुछ लोगों से रुपयों की ठगी की गई थी। जो एक आवेदन पत्र दिया गया था यशवंत माली के द्वारा, उस आवेदन पत्र पर एक मामला 420/467/68/71 का दर्ज किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पे मदन माली नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके मेमोरेंडम पर बालूदास बैरागी जो हरियाखेड़ा जावरा के रहने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को ठगा था, जिनमें से एक फरियादी हमारे पास आया था और रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उससे कुछ रुपये ले लिए गए थे। अभी मामला विवेचना में है, आगे जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसे विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जिसमें एक लड़की नशे में धुत होकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर रही है। लड़की पड़ाव थाना के सामने पहुंची और सेना की जीप के आगे खड़ी हो गई और तोड़फोड़ कर दी। बीच सड़क पर हंगामा देखने सैकड़ों लोग जमा हो गए। घटना के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो बना रहे लोगों को उसने जमकर गालियां भी दी। बाद में महिला आरक्षकों ने उसे हटाया और थाने लेकर गई। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने बिना मास्क के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही मंत्री प्रभुराम चौधरी के स्वागत के लिए होड़ मच गई। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी बिना मास्क के नजर आए। वहीं कार्यक्रम में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया। तैयार हूँ मैं, बाकी पर भी काम स्तर पर चल रहा है। उसी कड़ी में आज भैरागढ़ में भी जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था उसका आज शुभारंभ। कोरोना संक्रमण का जब दूसरी लहर आई तो उस लहर ने दुनिया को और भोपाल को, हम सबको भी डरा दिया था और डर और भय के कारण हम सबको लग रहा था कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हो। और मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया और सारे सिविल हॉस्पिटल से लेकर सारे जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल और जहाँ जहाँ भी अति आवश्यक थे वहाँ सब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शुरुआत हुई। हमको भी संत हृदयराम नगर में हमने इसकी मांग की थी कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है, पर भगवान ना करे हमको ज़रूरत पड़े, पर फिर भी सतर्कता सावधानी के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना आवश्यक है। तो
तो आज हमने उस ऑक्सीजन प्लांट का माननीय मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया गया है। हम उम्मीद करते हैं सारा शहर स्वस्थ रहे, सारा प्रदेश स्वस्थ रहे, फिर भी आवश्यकता पड़े तो ये ऑक्सीजन प्लांट उसमें मददगार है। चित्रकूट के कथावाचक पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य का नया कारनामा सामने आया है। पूरा मामला चित्रकूट के मंदाकिनी नदी से जुड़ा है, जहां जगत गुरु ने अपने आश्रम के नीचे और नदी घाट से लगभग 40 फीट दूर दो सीवर टैंकों का निर्माण बिना किसी अनुमति के शुरू करवा दिया। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय कांग्रेस नेता धुतरथ पांडे ने सीएमओ को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे सीएमओ केपी सिंह ने काम बंद करवाया, साथ ही नोटिस भी जारी करने की बात कही। ऐसा है कि मैं अपने घर पर था, मुझे कुछ अपने खास लोगों के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ माँ मंदाकिनी तट पर प्रमोद वन घाट पर हमारे पीठाधीश्वर जन्मांध कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की संस्था की ओर से वहाँ टैंक तैयार किया जा रहा है। तो वहाँ जो नगर पंचायत का निर्माण है उसको भी कैप्चर कर लिया गया था। दूसरी बात, वहाँ जो इनका गंदा पानी है पूरी संस्था का, वह पानी उस टैंक में आएगा, चाहे वो लेटरिंग टैंक का पानी हो, ओवरफ्लो, और उसके स्रोत माँ मंदाकिनी से 5 मीटर नज़दीक बन रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रीन ट्यूबवेल चालू है, हाई कोर्ट का निर्देश जारी है, क्या कोर्ट और न्यायालय से बड़े ये लोग हैं? मैंने नोटिस जारी कर दिया है जी, और काम बंद करवा दिए हैं जी। ये अपनी जो कार्यवाही है ये पूरी की जा रही है जी, प्रशासक जी को भी अवगत करा दिया गया है। गुना में अधिकारियों की मिलीभगत का भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुपरवाइजर ममता मीना का आरोप है कि आजीविका मिशन में 7.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अमन ट्रेडर्स ने घटिया क्वालिटी के कपड़े से भ्रष्टाचार किया है, साथ ही महिलाओं से 500-500 रुपए की रिश्वत भी मांगी है। मामले में सुपरवाइजर ममता मीना ने एक आवेदन चाचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को दिया है, जिसमें उनका कहना है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उनको उत्तेजित जनता का आक्रोश है, इस सरकार को समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी खराब स्थिति बनेगी। आजीविका मिशन का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और इसको हम पार्टी स्तर पर उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, और जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी इसको उठा दे। ना आजीविका मिशन का है गणवेश वाला, इसमें ना बच्चों की ड्रेस बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों की ड्रेस बनती है उसकी ड्रेस बनती है। इसका कोटेशन लेने के लिए महिला जाती है, समूह में पैसा आता है, कोटेशन लेने के लिए महिला जाती है, पर इस बार हुआ ही नहीं है। ना तो महिलाओं को कोई जानकारी थी, ना महिलाओं को कोटेशन लेने के लिए का, जो किया अधिकारियों ने किया, कब किया, कैसे किया, भगवान जाने, इसका कोई पता नहीं। जब पूछा तो टेंडर वाला हमको गाली गलौज दे के चला। कैबिनेट मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शमशाबाद के सूर्य नगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे। यहां सारंग ने ध्वजा यात्रा में शामिल होकर भगवान को ध्वजा चढ़ाया। साथ ही कार्यक्रम के बाद नगर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता विपिन शर्मा के निवास पहुंचे और उनकी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर परिवार का हालचाल जाना। दरअसल सारंग बाबा रामदेव के जन्मोत्सव में शामिल होने आए थे। प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कांतिलाल भूरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भूरिया अपनी ही पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो पर गुस्सा कर रहे हैं। वीडियो में मंच से संबोधन के दौरान विजय लक्ष्मी साधो कांतिलाल भूरिया के पास पहुंचती दिख रही हैं। इसी दौरान कांतिलाल भूरिया विजय लक्ष्मी साधो को डांटते नजर आए। वहीं इस वीडियो पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वीडियो को एडिट किया है। उधर बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया पर दलित महिला का अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए, इस तरह के वीडियो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एडिट करके फैलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर काम यही रहता है कि वो येन केन प्रकार कांग्रेस की जब भी रैली हो और सफल रैली हो तो इसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ इस तरह का दुष्प्रचार करना
उन अवश्य करते हैं और वही उनका काम भी है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी शर्म करना चाहिए, थोड़ी लाज शेष रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। राजनीति अपनी जगह है, पर किसी दलित वर्ग की सीनियर महिला राजनेता का इस प्रकार अपमान करना, कांतिलाल भूरिया जी, कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इसमें कुछ नहीं किया है। जो वास्तविकता है वो सबके सामने कि श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी ने मंच पर डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो का, जो एक पेशे से डॉक्टर हैं, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश की रही हैं, और यदि उनको भूरिया जी इस प्रकार खुलेआम मंच पर अपमानित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म का विषय है। ये न केवल कांग्रेस के लिए अपितु पूरी महिला बिरादरी के मान सम्मान के, दलित महिला का अपमान आप कैसे कर सकते हैं। जिस सिंगरौली में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का 10 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों ने भाग लिया। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 1308 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया है। साथ ही इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इंदुबाला, खेल विभाग के अधिकारी सहित कई संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। एक बड़ी संख्या है और मैं देखा कि बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं जो है जिले के ग्रामीण अंचलों से आई हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें से काफ़ी बच्चों का चयन जो है हमारे जोन स्तर पे और आगे के लिए भी होगा, और इससे एक खेल का अच्छा वातावरण निकल करके आया है। और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको कभी अवसर नहीं मिलता था, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपना एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे आगे। खबर भारत की खबर का असर हुआ है। जिले के देवखेड़ी बरखेड़ा गांव के बच्चे नदी पार कर पैदल स्कूल जाने को मजबूर थे। इस मुद्दे को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा बरखेड़ा लाल हाई स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बारिश होने पर बच्चों को स्कूल न बुलाया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों को साइकिल दिलाने के लिए भी ज्वाइंट डायरेक्टर से चर्चा की गई है, जल्दी स्वीकृति आ जाने पर बच्चों को साइकिलें दिलाई जाएगी। मैं वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के प्राचार्य से मिला और उनको निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा पानी गिरता है तो बच्चों को विद्यालय ना बुलाएं, उन्हें सूचित कर रहे हैं और उनके व्यक्तिगत नंबर अपने पास रखें, और यदि बच्चे आ जाते हैं और फिर पानी गिर जाता है तो ये शिक्षकों की जिम्मेवारी हुई कि वो सुरक्षित रूप से घर पहुंचाएं। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा में कड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री में चिपकाकर कॉलोनी की सड़क बनाई गई। वहीं कॉलोनाइजर बिना अनुमति के एयरपोर्ट की बाउंड्री कूदकर एयरपोर्ट के अंदर घुस गया, लेकिन राजा भोज एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। खरगोन के आदिवासी बिसन की पुलिस कस्टडी में बेरहमी से की गई पिटाई के बाद मौत ने मामला पकड़ लिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस मौके पर अरुण यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा मांगा है। उधर बीजेपी ने भी अरुण यादव के बयान पर पलटवार किया है। रतलाम में सड़क के अधूरे पड़े निर्माण को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने और मार्ग जाम करने के मामले में बाजना पुलिस ने युवा कांग्रेस जिला महासचिव कैलाश वसुनिया सहित 14 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें, 4 साल से अधूरे पड़े 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यहां वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों ने सड़क के 9 किलोमीटर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया है। अशोकनगर के ग्राम बमोरी शाला में नहर के पास गाय के अवशेष मिले हैं, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों ने पुलिस को दी और मामले की जांच की मांग की है। हिंदू विश्व परिषद का आरोप है कि इस मामले में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन इस मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन पर प्रकरण दर्ज होने की जरूरत है। संगठन ने आरोप लगाया है कि मुंगावली के कुछ लोग इस घटना में शामिल हैं, जिन पर एफआईआर की जाए।
बस करीला धाम जो हमारा प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है उसके पास में भामोरी शाला जो विदिशा जिले में लगता है वहाँ गाय की हत्या की गई, साथ ही हिरण की भी को भी मारा गया है। तो दोनों के अवशेष पाए गए हैं लेकिन वहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमारे मुंगावली क्षेत्र का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है बामोरी से जो मीट बेच रहा है वो तो मुंगावली में सप्लाई करता है, ऐसे मुंगावली वाले जो हैं उन पर भी कार्रवाई हो, इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनकी भी जाँच हो और उन पर भी कार्रवाई हो। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।